तो हेलो वेलकम दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमन है, आप सभी देख रहे हैं मिस्टर अमन टेक्निकल। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरे बारे में होने वाली है। दोस्तों मैं कहाँ से हूँ और मैंने मोबाइल से कितनी अर्निंग की है आज तक, और दोस्तों मेरी जर्नी के बारे में दोस्तों बताऊँगा, यूट्यूब जर्नी के बारे में थोड़ी बहुत बातें। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टंटिंग है, अगर आप सभी लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी इस वीडियो को मतलब देखना, वरना आप सभी लोग इसमें लाइक या डिसलाइक जो मर्जी हो जो मर्जी कमेंट हो कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो 2020 में मेरा था इंटर, और मैंने इंटर कंप्लीट करने के बाद मार्च में मैंने जैसे मेरा पेपर हो गया उसके बाद मैंने फाइनली एक मोबाइल बुक किया था, सैमसंग का M31, जिसका आप सभी लोग डिब्बा देख सकते हैं वहाँ पर रखा दोस्तों। उसके बाद उस फ़ोन को लाने के बाद दोस्तों मैंने इंटर के पेपर देने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट करूँगा दोस्तों। वो भी ये नहीं डिसाइड किया था किस कैटेगरी का, तो मुझे टेक की कैटेगरी में इसलिए इंटरेस्ट था दोस्तों क्योंकि मैंने मोबाइल से ज़्यादा अर्निंग की थी। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि 2020 में हेलो एप्लीकेशन से एक पर रेफर पे आप सभी को 350 रुपये मिल रहे थे दोस्तों। वो पैसे कैसे मिलते थे, एक रेफ़र करना है दोस्तों जिस बंदे के पास, और वो रेफ़र जो है आप सभी को 10 मिनट डेली चलाना था। इस तरह करके मैंने हेलो से काम मतलब 8 और 9 हज़ार रुपये कमा लिए थे 2 या 3 मंथ में, क्योंकि जून तक ये एप्लीकेशन चला था, उसके बाद जुलाई में बैन हो गए थे चाइनीज़ एप्लीकेशन, जिसमें हेलो भी बैन हुआ था दोस्तों। उसके पहले की बात की जाए कि मैंने उससे पहले कितने अर्निंग ऐप से आप रुपये कमाए थे, तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा पेटीएम एप्लीकेशन में जब गोल्ड मिलता था, आप एक नंबर पर 37 रुपये का गोल्ड मिलता था, तब मैंने उस सीज़न में कमा लिए थे 8 8 8 हज़ार के कंप्लीट, मतलब 8 हज़ार उस सीज़न में और 9 हज़ार इस सीज़न में मैंने हेलो से कमाए थे दोस्तों। तो इस तरह मैंने मोबाइल से अर्निंग की थी, मतलब 18 हज़ार रुपये की अर्निंग मैंने मोबाइल से इस तरह की। दोस्तों बात की जाए मेरे अमेजॉन की, तो अमेजॉन का एक प्रूफ भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हज़ार रुपये मैंने एक अकाउंट पे कमा लिए थे, यूपीआई अकाउंट होता है जो, उस तरह करके मैंने यहाँ पे 2 हज़ार के करीब ऊपर इसमें कैशबैक कमाया था अमेजॉन में। और उस पर एक दूसरा भी हमारा यूपीआई है, उस पर मैंने 16 से कमा लिए थे। तो दोस्तों इस तरह करके मैं अर्निंग करता था, तो मैंने सोचा कि टेक की वीडियो बनाता हूँ, और इसमें जो मुझे मतलब जिसमें मैं पैसे अर्न करता हूँ उसकी वीडियो बना के डालता हूँ, जो मुझे अच्छा मतलब अर्निंग की वीडियो आएगी उसे डालूँगा, जो अनबॉक्सिंग रिव्यू की होगी। तो दोस्तों मैंने अर्न करके क्या क्या खरीदा दोस्तों, जब मैं हेलो से अर्निंग कर रहा था तो मैंने एक बोया का माइक खरीदा था, और मैंने एक पावर बैंक बुक किया था दोस्तों, और वो बैटरी है दोस्तों, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने फाइनली एक फ़ोन BMI का ख़रीदा था, मतलब सेकेंड था दोस्तों, MI का था, MI Redmi 7 था कोई, हाँ Redmi 7 मैंने फ़ोन भी ख़रीदा था दोस्तों उसके थ्रू। तो इतना चीज़ मैंने अर्निंग से ख़रीद डाला था, पर ये जो मोबाइल है इसके लिए मैंने अलग से मतलब थोड़े पैसे मुझे लेने पड़े थे, और ये मेरा M31 पड़ा था तब 16 हज़ार के करीब में दोस्तों, पे कैश मैंने इसे डिलीवर मंगाया था दोस्तों। तो इस तरह करके मैं मोबाइल से अर्निंग कर रहा था। तो दोस्तों मैंने सोच लिया था कि टेक का वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को अच्छी अच्छी अर्निंग वीडियो भी दूंगा। तो लॉकडाउन होने के कारण दोस्तों कोई अर्निंग वीडियो आती थी तो वो 2 मिनट या 3 मिनट मतलब कोई भी यूट्यूबर के हाथ में जैसे ही लगती थी वो बंद हो जाती थी दोस्तों, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग सत्तारी मतलब फ्री थे दोस्तों कि जैसे कोई एप्लीकेशन आती थी तो तुरंत उसका सर्वर बैन हो जाता था। तो इस तरह अर्निंग की वीडियो नहीं आ पा रही थी, पर इस समय मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ मोबाइल के थ्रू, तो वो है पेटीएम फर्स्ट एप्लीकेशन और My Circle 11। तो यहाँ से मैं पैसे लगाता हूँ, IPL में एक टीम बनाता हूँ जिससे थ्रू मैं पैसे कमा लेता हूँ दोस्तों। टीम बनाकर भी मैंने यहाँ पे 2000 के ऊपर करीब मैंने अर्निंग की हुई है दोस्तों, जब से IPL स्टार्ट हुआ तब से। तो इस तरह करके दोस्तों मैं पैसे अर्न करता हूँ मोबाइल के थ्रू, और इसीलिए मैंने YouTube का चैनल क्रिएट किया है, यू मिस्टर अमन टेक्निकल। और दोस्तों मैंने एक ब्लॉग का भी चैनल क्रिएट कर लिया है, इंडियन अमन ब्लॉग्स, लिंक दोनों की आप सभी को मिस्टर अमन टेक्निकल जैसे खोलेंगे तो चैनल के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ इंडियन अमन ब्लॉग का चैनल भी मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप सभी को मेरे इस टेक के चैनल पर मतलब इंटरेस्ट नहीं, तो आप सभी लोग मतलब ब्लॉग के चैनल पर जाइए और कमेंट कीजिए कि आप सभी को किस कैटेगरी मतलब किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ दोस्तों, कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अभी तो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे हुए हैं 1000, और वॉच टाइम के तो छोड़ो, वॉच टाइम भी बहुत है, 600 घंटा मैंने कंप्लीट किए हैं और 380 के करीब मैंने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं 8 मंथ में दोस्तों। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं वीडियो जो डालता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो जाती हैं, पर वहाँ पे लोग लाइक वगैरह नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को वॉच टाइम करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग यूट्यूब पर आ चुके हैं दोस्तों
क्यों बड़े बड़े क्रिएटरों के यूट्यूब की वीडियो देखी जाती है, जो छोटे क्रिएटर होते हैं तो उनकी वीडियो नहीं देखते हैं ज़्यादातर बड़े लोग, क्योंकि मैंने जो कंटेंट बनाया वो सही बनाया, पर वो वहाँ पे मेरी वीडियो को अगर कोई फुल वाच भी करता है तो लाइक नहीं करता है। मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी आईपीएल के सीज़न में, तो वो वीडियो मेरी है 450 के ऊपर हो गई होगी दोस्तों। वो थी माय जियो एप्लीकेशन की, मतलब आईपीएल फ्री में कैसे देखें और आईपीएल का कौन सा रिचार्ज डलाकर आप सभी लोग आईपीएल मैच देखें, तो इस वाली वीडियो मेरी वायरल हुई। तो इस तरह करके मेरी कुछ वीडियो और जो है अभी रैंक में चल रहे हैं कि धीमे धीमे उस पर व्यू जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पर चैनल बनाकर एक बड़ी कामयाबी नहीं होती दोस्तों, इस पर एक वीडियो डेली बनानी पड़ती है और आप सभी को सर्चेबल टॉपिक और यहाँ पे ट्रेंडिंग पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने कमरे को भी प्लस्तर कराया है और ये बहुत दूरी पर है मेरे घर से, मतलब मैं घर से दुकान पर आता हूँ तब यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। फाइनली मैं बाराबंकी टिकाई नगर से हूँ दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे आप सभी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल बनाकर यूट्यूब पे जो कुछ मेरी जो मतलब टिप्स होती हैं मैं वो भी शेयर करता हूँ, जिससे मैं ग्रो करता हूँ और जो मुझे समझ में आता है, जैसे कि मुझे रियलिटी की वीडियो बना, तो ये नहीं कि कोई फेक वीडियो बना दो। जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे मतलब कमेंट करने लगते हैं कि भाई ये है वो, और काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब बेकार कमेंट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो इसे मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि मेरा जो टॉपिक है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि अगर मेरी वीडियो कभी जब वायरल हो दोस्तों और रैंक में जाए तो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप सभी लोग यूट्यूब पर आएँ तो आप सभी लोग काम करते रहिए, मतलब आप सभी लोग भरोसा रखिए अपने ऊपर और यूट्यूब पे हमेशा पर डे एक वीडियो डालिए सर्चेबल टॉपिक, और आप सभी लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर आप वीडियो बना रहे हैं दोस्तों तब आपकी वीडियो जो है वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आएगी तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद दोस्तों।